नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन संग। रुक लेते हैं बड़ी खबर का। गाजियाबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है। एक मकान में पहले सिलेंडर ब्लास्ट होता है, उसके बाद पूरी बिल्डिंग भरभरा कर नीचे गिर जाती है। तो बड़ी खबर गाजियाबाद से, जहां एक मकान में पहले सिलेंडर ब्लास्ट होता है, उसके बाद पूरी बिल्डिंग गिर जाती है। इस हादसे में मलबे के नीचे दबने की वजह से 4 लोगों की मौत हो गई है। जो जानकारी प्रारंभिक तौर पर मिल रही है उसके मुताबिक 5 लोगों को मलबे से बाहर निकाला गया था, जिसके बाद 4 लोगों ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। बड़ी खबर गाजियाबाद से आ रही है। लोनी में यह हादसा हुआ है, जिसके बाद राहत बचाव का काम इलाके में चल रहा है। तमाम जो सुरक्षा बचाव दल हैं वो मौके पर पहुंचे हैं, एम्बुलेंस मौके पर पहुंची है, अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची है और जो पहली प्राथमिकता है वो मलबे में दबे लोगों को बाहर निकालने की है। लेकिन आप खुद ब खुद सोचिए, पहले एक सिलेंडर में ब्लास्ट होता है, उसके बाद जो स्थिति है वो अचानक बेकाबू हो जाती है, क्योंकि अचानक से बिल्डिंग भरभरा कर नीचे गिर जाती है। तो बड़ी खबर के जरिए आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, वो तस्वीरें भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, किस तरह का माहौल वहां पर देखने को मिल रहा है। गाजियाबाद से यह बड़ी खबर सामने आ रही है, सिलेंडर फटने के बाद यह बड़ा हादसा यहां पर सामने आया है। वो मकान की तस्वीरें भी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। लोनी के बबलू गार्डन में 3 मंजिला मकान में ये सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है। सिलेंडर ब्लास्ट के बाद बिल्डिंग भरभरा कर नीचे गिर जाती है। हादसे में 4 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। मकान के मलबे में 1 दर्जन से ज्यादा लोगों के दबे होने की आशंका भी लगातार जताई जा रही है। मलबे से 5 लोगों को बाहर निकाला गया था, 4 की जिनमें से इलाज के दौरान मौत हो गई है। फुल स्क्रीन मैं चाहूंगा कि एक बार उन तस्वीरों को हमारे सहयोगी दिखाएं। ये वो तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, किस तरह की स्थिति वहां पर पैदा हो गई थी। एम्बुलेंस आपको स्क्रीन पर नजर आ रही होगी और ये वो मकान है जो भरभरा कर नीचे गिर गया था, ये कच्चा मकान। अब सिलेंडर फटने की वजह से कैसे एक मकान गिर जाता है, क्या ये जर्जर मकानों की श्रेणी में शामिल नहीं था, और अगर इतना कमजोर ये मकान था तो फिर प्रशासन की ओर से कोई कदम क्यों नहीं उठाए गए। जैसे ही पुलिस और प्रशासन की टीम को मामले की जानकारी मिलती है, ये आप वो तस्वीरें देख रहे हैं जब आपको पुलिसकर्मी खुद ईंटें उठाते हुए नजर आ रहे हैं। स्थानीय लोगों की मदद भी पुलिस के द्वारा ली जा रही है और राहत बचाव का काम तेजी से किया वहां पर जा रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा जिंदगियों को वहां पर बचाया जा सके। तो गाजियाबाद से यह मामला सामने आया है। लोनी के बबलू गार्डन की यह घटना है, जहां पर अचानक से सिलेंडर ब्लास्ट के बाद एक मकान भरभरा कर गिर जाता है, जिसकी वजह से 4 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुना देते हैं। नहीं, हमें तो पता लगा, रास्ते से निकल रहे थे मोटरसाइकिल लेके 2 आदमी, पता लगा हम आए तो आते इसमें मेहनत करने लगे, निकाला इसमें मेहनत करने के बाद एक बच्चा निकाला, जो 4 लेडीज निकाली। आपने निकाले थी? हाँ, सभी लोगों को लगे। क्या स्थिति थी उनकी? उनकी स्थिति, बच्चा तो 2 से 2.5 साल का बच्चा, वो मेरा आदमी खत्म हो गया था, एम्बुलेंस में ले जाके डाला मैंने, 1 को ऑटो में लेडीज को लेके, वो लेडीज भी खत्म हो गई थी मेरे आदमी। अच्छा, कितने लोग इसमें घायल हैं, कितने लोग की मौत हुई? 4 निकले, 4, 3 की मौत तो हाथ में ही थी। 3 की मौत हो चुकी है? हाँ, एक बुढ़िया है, उसको बच्ची, उसके हाथ पैर दोनों बेकार हो गए, थोड़ा सांस चल रहा है उसमें। इतने में पब्लिक आ गए, सबने निकालना शुरू कर दिया। परिवार के लोग कितने थे अंदर? परिवार के ऐसे लगा लो, एक तो मुनीर खान की बीवी जी, एक लड़के की बीवी, एक लड़के की बीवी, एक उनकी लड़की जवान है जी, आगे में, और 2 बच्चे हैं उस पर, लड़की पे, वो लड़के की बहू पर, ये 5-6 जने थे उसके अंदर, ये सामने किराएदार हैं। अच्छा, ये भी वहीं रहते हैं, खाना पीना इनका सब वहीं बनता था। अब ये मुझे नहीं पता कि अंदर 5 या 6 जने तो इनके घर के, बाकी ये हो सकते हैं। आपको बता दें कि निठोरा रोड पर स्थित बबलू गार्डन कॉलोनी में यह हादसा होता है। गैस सिलेंडर फटने से एक मकान अचानक से ढह जाता है, जिसके बाद 4 जिंदगियां वहां पर खत्म हो जाती हैं। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंचती है और लोगों को मलबे से निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। वो तस्वीरें लगातार आप देख भी रहे हैं, क्योंकि जो पहली प्राथमिकता ऐसी परिस्थितियों में होती है वो जिंदगियों को बचाने की होती है। घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए जरूर भर्ती कर दिया गया है, लेकिन यहां पर कार्यशैली को लेकर के सवाल उठना बेहद लाजमी है, क्योंकि
एक सिलेंडर ब्लास्ट की वजह से जरूर ये हादसा हुआ है, जरूर उसकी वजह से ये इमारत गिरी है, ये बिल्डिंग गिरी है, लेकिन अगर बिल्डिंग इतनी पुरानी थी तो फिर वहां पर पहले से क्या प्रशासन की ओर से कोई नोटिस दिया गया था या फिर नहीं दिया गया था, इसके बारे में भी अभी जांच होनी बेहद जरूरी है। उम्मीद यही करेंगे कि प्रशासनिक स्तर पर मामले की जांच होगी और जो कोई भी इस पूरे मामले में दोषी है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा भी देखने को मिलेगी, क्योंकि इस तरह की घटनाओं को हम केवल हादसा कहकर टाल नहीं सकते हैं, ये लापरवाही कहीं ना कहीं जरूर सामने आई है। दूसरी ओर सवाल सरकार की योजनाओं को लेकर के भी उठते हैं। सरकार बड़े पैमाने पर प्रधानमंत्री आवास योजना चला रही है, मुख्यमंत्री आवास योजना चला रही है, उसके बावजूद अगर लोगों के पास पक्का मकान नहीं है तो फिर क्या उन लोगों ने आवेदन नहीं दिया था, और अब जब उस परिवार के लोगों पर क्या बीत रही होगी जिसका ये मकान गिर गया है, क्योंकि मकान की हालत देख करके आप आर्थिक स्थिति का अंदाजा भी सहज लगा सकते हैं, और एक मकान को बनाने में पूरी जिंदगी की खून कमाई लग जाती है, और जिस तरह से लोगों की मौत इस पूरे मामले में हुई है, 4 जिंदगियां खत्म हुई हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिम्मेदारियां तय होना बेहद जरूरी है। उम्मीद करेंगे कि मामले को लेकर के जांच के बाद जो कोई भी पूरे मामले में दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई भी देखने को मिलेगी। बड़ी खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए एबी स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी खत्म नहीं होता।